ओम ज्ञान चंद्राम दस्य ज्ञान अरे प्रश्न कत प्रश्न प्रसंग से बाहर पर बस पर की बोलो মহাপুরুষ জন্ম নিয়েছিলেন আজকে তীর্থ মহারাজ বলবে তোমার ওম জ্ঞান তিমিরাম দত্ত জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুর উন্মিলিত তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ গুরবে গৌরচন্দ্রাই রাধিকায় ইষ্টদালয়ে কৃষ্ণায় কৃষ্ণভক্তায় তদ্ভক্তায় নমো নমঃ ভগবান অপি তারাত্রি শরদ উৎফুল্ল মল্লিকা বিস্তরন্তু মনঃচক্রে যোগ মায়ামুপাশ্রিতা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ প্রিয় দ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ এবার তোমার হাত ফুলে বলবে বলো হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে আরে বার জোর করে বলো হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে হমলোক গুরু বৈষ্ণব কে আনুগত্য মে আজি যাহা পর উপস্থিত হুয়ে হ্যাঁ এ স্থান কা নাম হ্যায় কোল দ্বীপ কোল মতলব হোতা হ্যায় শ্রী বরাহদেব কেতে ভগবান কা জো ধাম হ্যায় ইয়ে নিত্য হ্যায় ইয়ে নিত্য ধাম হ্যায় ইয়হীঁ পর সত্য যুগ মে এক বাসুদেব নাম কা কোই এক বিপ্রত হ্যায় ইন্হোনে ইয়হীঁ পর সত্য যুগ মে শ্রী কোল কোল মতলব শ্রী বরাহদেব কা ইয়হীঁ পর উন্হোনে উপাসনা কি और उसी समय में ही श्री बराहदेव ने स्वयं श्री वासुदेव ईश्वर को बताया था बोले देखो कलयुग में मैं यहीं पर श्री सच्चिदानंद गौर हरि बन करके मैं यहीं पर जन्म ग्रहण करूंगा और जन्म ग्रहण करते हुए संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को अपना कृष्ण प्रेम में अपना प्रेम में विश्व ब्रह्मांड को मैं बहाऊंगा और विश्व ब्रह्मांड को कृष्ण प्रेम में डुबाते हुए केवल भारत नहीं बोले पृथ्वी से आते जाते नगर आदि ग्राम सर्व का प्रचार है वे मर नाम सुखी है या लोक मेरे गाय वे कीर्ति सवारी प्रसन्न होकर के सभी प्रसन्न होकर के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इसलिए सत्य युग में ही उनको ऑलरेडी बोल चुके थे क्योंकि भगवान का लीला नित्य उनका धाम भी नित्य है यदि यहाँ पर आने पर यदि कोल दीप है जैसे यहाँ पर आने पर हमारे दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू है एक हाथ में लड्डू नहीं दो हाथ में लड्डू मतलब क्या है अगर कोई वृंदावन धाम का परिक्रमा करे केवल उनको वृंदावन धाम परिक्रमा करने का फल मिलेगा लेकिन अगर कोई नवद्वीप धाम का परिक्रमा करे तो उनको एक साथ में वृंदावन धाम का परिक्रमा तो अपने आप मिल जाएगा और इस नवद्वीप धाम का परिक्रमा का फल भी उनको यही पर प्राप्ति होगी यदि ये स्थान कौन सा स्थान है बोले यहाँ पर श्री राधा कुंड श्याम कुंड है यहाँ पर श्री गिरिराज गोवर्धन है यहाँ पर राष्ट्र मंडल यहाँ पर है यहीं पर जैसे वृंदावन में कृष्ण जैसे बासंती राज किया था इसलिए यहाँ पर ये बासंती लीला स्थल भी यहीं पर है और यहाँ आने पर जैसे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ये कौन है वो स्वयं कृष्ण है लेकिन कलयुग में वो राधा भाव दुख सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम
कलयुग में हुए राधा जी की अंगकांति और भाव को लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में आए, जैसे महाप्रभु के अंदर में सब कुछ हुए, तो उसी तरह यहाँ पर आने पर क्या फल मिलेगा? बोले यहाँ पर त्रिवेणी है, गंगा जमुना सरस्वती जो त्रिवेणी, यहाँ पर त्रिवेणी और यहाँ पर पंचवेणी है। यहाँ पर है, यहाँ पर आने पर आपको गंगा जमुना सरस्वती में स्नान करना, अलकानंद और क्या है भागीरथी, कहते ये पंच नदी में स्नान करने का यहाँ पर आने पर अपनी आप को यहाँ प्राप्त हो जाएगी। और यहाँ पर सप्त समुद्र है, सात जो समुद्र है यहाँ पर सप्त समुद्र है। इसलिए अगर नवद्वीप धाम का कोई परिक्रमा कर लिया तो ये समझो विश्व ब्रह्मांड में कोई तीर्थ बाकी नहीं रह गया जो परिक्रमा लगाने का। लोग चाहते हैं हम कहाँ जाएंगे, बोले कहेंगे सारे तीर्थ बारम्बार और गंगा सागर एक बार, सारा दुनिया चाहते हम अलग अलग तीर्थ भ्रमण करने के लिए जाएंगे, लेकिन यहाँ आने पर आपको सारे तीर्थ परिक्रमा करने की यहीं पर फल प्राप्त हो जाती है। इसलिए अभी अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे, रास्ता में आते हुए हम लोग ने श्री जोग माया को दर्शन किया है। कहते जोग माया की अभी महाराज बता रहे थे ना, कहते उमा राम सत्या सची चंद्र रुक्मी राधा अवतार सबे आप नाय वाणी। श्री राधा रानी विभिन्न रूप में प्रकाशित होकर के भगवान की लीला को ये मदद करती हैं। इसलिए कहते ये एक स्वरूप में जोगमाया बन करके, जोगमाया मतलब जब कोई जीव भगवत भक्ति के लिए उन्मुख होती है उसको क्या करते हैं, ये जोगमाया ही भगवान को साथ में जीव को जोड़ देती है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान से विमुख होकर के संसार चाहते हैं, इसलिए हमारे भक्ति वेदांत से नारायण गोस्वामी महाराज हम लोग मथुरा मठ में देखे होंगे, एक सुंदर उन्होंने चित्र बनाए, एक तरफ में दिखाया माया की संसार है जहाँ पर घोर अंधकार है, भूत पिशाच डाकिन साकिन उधर हिंस जंतु खड़े हुए, लेकिन उस तरफ में एक सुंदरी लड़की माया खड़ी हुई, दूसरे तरफ में दिखाया प्रकाश प्रकाश है और वहाँ पर एक साधु खड़ा हुआ और सीधा जो रोड गया गोलोक वृंदावन में, और इस तरफ में एक माया खड़ी, इधर माया जीव को बुला रही है और उधर बुला रही है वो लड़की मिस यूनिवर्स से भी सुंदर। हाँ महाराज कहते हो भी मिस यूनिवर्स से भी ज्यादा सुंदर थी वो लड़की, इसलिए दूसरे तरफ में साधु खड़े होकर बुला रहे हैं, वो कभी इधर देखता है कभी इधर देखता है कभी इधर देखता है, लेकिन छलांगा लगाता है वो देखता ही है, वो देखता है संसार में सबके सब दुखी है, संसार में कोई सुखी नहीं, सबके सब देखते हैं, लेकिन तब भी है कोई हमारे कोई मंदिर में अगर कोई ब्रह्मचारी बनना चाहते है ना, लेकिन उनका परिवार लोग चाहते हैं किसी तरह से उसको खींच करके ले आए और उसको शादी करा दे। हमारे गुरु जी कहते थे भैया क्यों इतना शादी कराने के लिए बच्चों को इतना उतावला क्यों हो रहे, बोले जिंदगी भर हमने ये संसार में कष्ट उठाया, जिंदगी भर संसार के डंडा पड़े हमारे ऊपर में, और तू कैसे संसार से मुक्त होकर भजन करके शांति सुख कैसे पाओगे, आओ इसके अंदर में तू भी डंडा था। इसलिए लेकिन ये जो जीव है वो माया में ही छलांग लगाती है, वो साधु तरफ में नहीं जाती है। बोले कारण क्या, बोले कारण है जो माया शक्ति है वो जीव शक्ति से ज्यादा है, इसलिए माया आसानी से ही जीव को दबज लेती है और दबज करके संसार का दुख कष्ट को जीव भोग करती है संसार में। और ये माया की जो अद्भुत आश्चर्य चीज है, किस चीज में हम आसक्ति होते हैं, बोले ये शरीर में, ये शरीर में, लेकिन ये शरीर किस चीज में शरीर बने हुए, केवल टाटी पेशाब खून पीक माल मूत्र और कुछ हो ही नहीं, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं खीती जल पागना समीरा पंचरचिता यह अधम शरीरा, तो अधम शरीर बताए। अब देखो गरीब में सारे रोम रोम से बदबू निकलती है, सवेरे उठो आंख से बदबू, कानों से बदबू, नाक से बदबू, मुंह से नीचे तक बदबू बदबू है ही निकलती है, लेकिन ये शरीर में पाटी पेशाब खून पी के शरीर में ये माया क्या करती है, ये माया उसमें ममत्व बुद्ध कर देती है, बड़ी प्यारी है बड़ी सुंदरी है,
इसलिए पिछली बार मैंने स्वामी महाराज की कथा सुनाया था, कोई एक राजकुमारी भजन करने के लिए आई वृंदावन में, अभी एक राजकुमार को आसक्ति हो गया, अरे बड़ी सुंदरी है, अभी उसको शादी करने के लिए, क्या मेरे से शादी कर ले, बोले मैं तो भजन करने के लिए आई हूँ, मैं शादी नहीं करूँ, बोले कैसे नहीं करोगे, मैं राजा राजपुत्र, मेरे आदेश का पालन करना पड़ेगा, बोले ठीक है। उसने अपना गुरुजी को पास में आए, गुरुजी ने कहा तो उसको बोलना दो दिन बाद में आए, और तुम ऐसे मेडिसिन निकालो जिसमें केवल टाटी पेशाब केवल होते रहे, और उसके गामला में भर देना, भर कर उसको ढक कर रख लेना, और अभी दो दिन बाद में, बोले दो दिन इसका टाइम ही, तो जो दो दिन बाद में आया, दो दिन में इतनी टाटी पेशाब हुई, पूरा उसको सिर आंख रसगुल्ला जैसे निकल कर आ गया, और मुंह एकदम अंदर में घुस गई, और एकदम जैसे भुतली जैसे लग रही थी, पेतली जैसे लग रही थी, वो आ करके उसको पहचान नहीं पा रहा है, बोले वो राजकुमारी कहाँ है, दो दिन पहले भी इसको देखा था, बोले कहाँ है, आओ तेरे को दिखाता हूँ, जिसमें टाटी पेशाब खून जिसमें था, इतने में इस कपड़ा को उसने खोल करके, बोले ये वहाँ इतनी बदबू मार रहा था, खड़ा भी नहीं हो सकते, बोले ये क्या है, बोले देखो मैं पहले इतना सुंदर इसलिए लग रही थी, मेरे शरीर में ये टाटी पेशाब खून ठीक था, अभी वो निकल गया ना जिसे बदबू मारता है, तो इसी शरीर में आसक्त था, इसी शरीर में ही आसक्ति था, इसलिए ये उसको भी संसार से बेर आगे हो गया, इसलिए माया की एक अद्भुत शक्ति है, ये झूठा शरीर में भी अपना ममत्व को बना देती है, लेकिन यही जीव जब माया उसको संसार में डंडा मारती है, डंडा मारने पर ठंडा होकर के, फिर यही जीव जब गुरु वैष्णव के अनुगत में श्री जोग माया की शरण में जाती है, यही जोग माया फिर जीव को साथ में भगवान को साथ में जोड़ करके उसको गोलोक वृंदावन राधा कृष्ण की सेवा में उनको नियुक्त करा देती है, यही जोग माया ही कृष्ण लीला में मदद करती है, इसलिए बोले भावा वैसे प्रभु नाही देहान संधान, इच्छा जानी जोग माया करे समाधान, कहते तो भगवान कृष्ण व महाप्रभु वो लीला की आवेश में रहते ही ये जोग माया क्या करती है, उनको जो भगवता को संपूर्ण भुला देती है, संपूर्ण उनको भुला देती है, भुला करके अगर कृष्ण मिट्टी खाए मक्खन खाए, मैया पूछती लाला तेने मक्खन खाई, बोले मैया मैंने मक्खन नहीं खाई, बोले सखा लोग जो बोलते हैं तुमने मिट्टी खाई, बोले सब झूठ बोल रहे, इसलिए भगवान को भुला देती है वो परात्पर तत्व, क्यों, अगर ये जोग माया अगर उनको भगवता को नहीं भुलाएगी तो उनकी ये मधुर लीला असंभव है, इनकी मधुर लीला, इसलिए सारे लीलाओं को यही पुष्टि करती है ये जोग माया है। आप लोग ने आते समय श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का अपने समाधि मंदिर देखा, देखो अभी बंगला में बोलूंगा, अभी हिंदी बोल दिया, अभी इतनी आप लोगों को जरूरत नहीं, बंगाली लोगों का जरूरत है, देखो ना हमारा आसार समय श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने समाधि मंदिर हमारा दर्शन कर ला, ये जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज अनेक सुंदर सुंदर उपदेश आते, एनर प्रथम उपदेश हलो किच्छू तथा कथित लोक आते जरा की बोले निताई गौर राधे श्याम और हरे कृष्ण हरे राम, केवल की बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद, किछ कुछ लोग एरकम बोले, बोले ये सब नाम करवे, बोले भैया तुम ये सब कुछ के पहले, बोले हमारे जो गुरुदेव ना वो स्वप्न पिए थे, हमारे गुरुदेव थे स्वप्न पिए थे नाम, बोले तुम्हारे गुरुदेव जी का स्वप्न पिए था के हमारे गुरुदेव का स्वप्न पिलो और एक गुरुदेव स्वप्न पिलो, शास्त्र जी आज हमारे कलयुग धर्म हो चे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ये जो कलयुग युग धर्म जी हरिनाम संकीर्तन जाके बोलते गौर जे लोयल नाम सही नाम लाओ आर जो तो छड़ा नाम दूर रखे दाओ, ये महाप्रभु सिख्या लो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जे नाम के तिनी ग्रहण कर छे कोई नाम ताकि करता हवे हैं आर जो तो छड़ा नाम परवर्ती समय आर जो तो नाम दरिये छे की करो उगले दूर रखे दाओ उगले के दूर रखे दिवे कोई नाम करवे ना के ना वो नाहर मते महाप्रभु तिनी हरिदास ठाकुर के तिनी नामाचार्य रूप तिनी उपाधि तो विभूषण कर छे जिन्हें बोले ना ब्रह्मार अवतार प्रह्लाद अवतार नामाचार्य मानी नामेर तिनी बोले ना आचार्य कलयुग यदि भगवत प्राप्त करता है तब श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर के फलो करता है तो तिनी की नाम लिए थे तिनी कौन नाम लिए थे
శ్రీ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద హరే కృష్ణ హరి రామ్ హరి నామనీయ నితాయ గౌరు రాధేశ్యామ్ హరే కృష్ణ హరి నామనీయ ఉని నియచన హరే కృష్ణ మహామంత్ర జప করছে আমাদেরকে এই তথাকথিত লোকরা যে নূতন নূতন নাম বের করেছেন তিনি বলতেন খবরদার ওই নামগুলো কখনো করবে না দ্বিতীয় ওনার শিক্ষা হলো আবার কিছু কিছু লোক কি বলে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্য জপ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রী রাধা গোবিন্দ কে কি বলে ওরা কি করে এই যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রকে জোর করে করে না ওরা কি করে মনে মনে করে হ্যাঁ জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রী রাধা গোবিন্দ জপ করবে ওইটা কীর্তন করবে না আবার কি এরকম ভাই বলে হ্যাঁ এটা কীর্তন করা অপরাধ বলে না হরিদাস ঠাকুর তিনি তিন তিন লাখ হরিনাম করতেন হরিদাস ঠাকুর জি তিন তিন লাখ হরিদাস ঠাকুর জি হরিনাম করতে থে কিসি সময় উনকো এক লাখ হরিনাম তো উচ্চ স্বর সে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে এক লাখ হরিনাম তো তুমি জোর করে করতেন এক লাখ হরিনাম করতেন যাতে নিজে শুনতে পারে আর এক হরিনাম করতে থে জব কেবল আপনি মন মন মে করতে থে এক সময় উনকো কিসনে পুছা ভাইয়া হমনে সুনা ভজন মন মন মে করনি চাহিয়ে তুম তো জোর জোর সে কিয়া সবকো সুনা সুনা করে হরিনাম কর রহে হো ইতনা চিল্লা চিল্লা করে কিউ হরিনাম করতে হো হরিদাস ঠাকুর নে প্রশ্ন কিয়া ইয়ে বতাও এক ব্যক্তি কমা করকে সোম খাতা হে এক ব্যক্তি কমা করকে পুরা পরিবার কো খিলাতে বতাও তো দোনো মে কোন বড়া বলে জো পরিবার কো খিলাতে হে উসি তরহ জো ব্যক্তি মন মন মে হরিনাম করতে হে ও আপনা কল্যাণ চিন্তা করতে হে লেকিন জো উচ্চ স্বর সে হরিনাম করতে হে বলে উচ্চ সংকীর্তন পরে উপকার করে উচ্চ সংকীর্তন করনে সে দূসরো কা ভি কল্যাণ হোতা হে লতা পতা পেড় পৌধা ও প্রভু নাম জপ নহীঁ কর সকতে হে লেকিন উনকো কান মে জব হরিনাম পড়ে উনকা ভি উদ্ধার হোতা হে তো উনহোনে পুরাণ সে এক শ্লোক কো উদ্ধৃত কিয়া হে বলে জপ তো হরিনামা নি স্থানে সত্য গুণাধিক কহতে মন মন মে হরিনাম করনে সে জো ফল মিলেগা আগর উচ্চ স্বর সে হরিনাম করেগা তো সৌ গুণ জ্যাদা উসকো সৌ গুণ জ্যাদা উসকো নাম করনে কা ফল মিলেগা ইসলিয়ে ভাগবত মে দেখো ওহাঁ পর কিয়া বতায়ে ভাগবত মে ভাগবত মে বতায়ে ফল ওর দোষ নিধি রাজন অস্তি এক মহান গুণ কীর্তনা দেব কৃষ্ণ ইহাঁ পর আতে কীর্তন করনে কে লিয়ে ওহাঁ পর আতা হে কৃতে জগত ধায়ক বিষ্ণু তৃতীয়া জগত মুখই দ্বাপরে পরিচর জয়ম কলৌত হরি কীর্তনা ও হরি কীর্তন কে লিয়ে বতায়া মহাপ্রভু স্বয়ং কহতে হি পরম বিজয়তে শ্রী কৃষ্ণ সংকীর্তনম রূপ গোস্বামী মহাপ্রভু কা অষ্টকম লিখতে হি ক্যা গত বল হরে কৃষ্ণ ইতি উচ্চই রসনা নাম গণনা মহাপ্রভু হরি নাম সংকীর্তন কো উচ্চ স্বর মে করতে থে জোর জোর সে হরি নাম সংকীর্তন করতে থে ইসলিয়ে হ্যাঁ ইসলিয়ে হমে বলে কৃষ্ণ বর্ণম শিশাম অকৃষ্ণ সাঙ্গ পাঙ্গ অস্ত্র পার্শ্বদম যজ্ঞই সংকীর্তন প্রায়ই যজন্তি হি সুমেধস ইসলিয়ে কলিযুগ মে জো বুদ্ধিমান ব্যক্তি হয়েঙ্গে কলিযুগ মে যজ্ঞ কোন সা যজ্ঞ হি বলে যজ্ঞই সংকীর্তন প্রায়ই কলিযুগ মে সংকীর্তন হি মূল যজ্ঞ হি ইসকো দ্বারা হি জীব কা পরম কল্যাণ পরম কল্যাণ কেবল শ্রী হরিনাম সংকীর্তনে সবনে বলে এই জনে আপনারা অনেক যে এদিকে এদিকে প্রচার করার লোক আছে যে নিতাই গৌর রাধেশ্যাম হরে কৃষ্ণ হরে বলে সব দোষ কি আছে বলে এর মধ্যে কি দোষ আছে বলে নিতাই হলে তিনি বলদে প্রভু আর হরে মানে রাধা রানী রাধা রানী ছোট ভাইয়ের পত্নী সঙ্গে ভাসুর 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 ভাদর রূপে একসঙ্গে থাকে না ভাসুর আর ভাদর বউ হ্যাঁ ভাদর বউ কি একসঙ্গে থাকে হ্যাঁ বুঝতে পারছেন তো রাধা রানী হলেন কৃষ্ণের তিনি শক্তি বলদেব প্রভু তিনি কি হলেন তিনি হলেন যে বলদেব প্রভু তিনি ভাসুর হলেন তার সঙ্গে ছোট ভাইয়ের শক্তি কি করে থাকে এই জন্য এটা নাম অপরাধ বলা হয়েছে নাম অপরাধ আর কেউ আমাদের কি বলে লাল কাপড় কোথাতে গেল আমাদের যে গোস্বামী রত সাদা কাপড় ছিল তোর লাল কুমার কোথা থেকে নিয়ে এলে হ্যাঁ এই লাল কাপড় কোথা থেকে এলো ইয়ে প্রভুপাদ কোথা থেকে লাল কাপড় নিয়ে এলেন হ্যাঁ তাতে তাদের বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন আছে কিন্তু মহাপ্রভু সময়ে তাদের নয় জন সন্ন্যাসী ছিল যাদের কাপড় ছিল স্বয়ং গৌরী বস্ত্র মহাপ্রভুর কাপড় কিরকম ছিল মহাপ্রভু কা বস্ত্র কোন তার কথা
ये गौरव वस्त्र था। रामानुज मध्य विष्णु स्वामी निम्बार्क इनके वस्त्र कौन सा रंग था, इनका गौरव वस्त्र था इनका वस्त्र। इसलिए आप रामायण और महाभारत देखो जो साधुओं का कपड़ा कैसे समझे ना, गौरी के वस्त्र है सबके सब। इसलिए कोई कोई कहते हैं ये गौरी मठ का तो कोई गुरु परंपरा है ही नहीं है, इनका तो कोई गुरु परंपरा नहीं है इनकी। इसलिए खबरदार इनके तरफ में मत जाओ। बोले क्यों, जैसे गुरु परंपरा नहीं, जैसे उसमें हमारे महाराज जी एक सुंदर ग्रंथ लिखा है जिसका नाम प्रबोध पंचकम। आप लोग जरूर कोशिश करना वो ग्रंथ को पढ़ने के लिए। गुरुदेव ने जिस समय ये प्रबोध पंचकम ग्रंथ को हमारे भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज लिखे, उसी समय जितने सहजिया उल्टा पुल्टा आउल काउल नेड़ा नेड़ी सखी दरवेश जितने सब उल्टा पुल्टा लोग जब वो ग्रंथ को पढ़ाना, पूरा उनकी आंसू हिल गया, मत हिल गया, वो सबके सब खिलबिल मच गई। और उन लोगों ने कोशिश किया कि मीटिंग करने के लिए कि नारायण महाराज ने कैसे उन्होंने हम लोगों को कटाक्ष से कैसे किया है। उन लोगों ने बहुत बड़ा से मीटिंग किया जैसे इनका विरोग करने के लिए, लेकिन किसका हिम्मत नहीं हुई महाराज के सामने आकर कुछ बोल पाए। इसलिए महाराज बताए परंपरा दो है, एक है भागवत परंपरा और एक शिष्य परंपरा। ये चीज को समझ लो, एक है भागवत परंपरा, एक होता है शिष्य परंपरा। प्रभुपाद ने देखा ये शिष्य परंपरा में बहुत दोष है। जैसे हमारी जैसे गुरुजी के हमने शिष्य है, गुरुजी से हमने हरिनाम मंत्र लिया, लेकिन गुरुजी का कोई आदर्श ही फॉलो नहीं करते, हरिनाम नहीं करते, उनका कोई आदर्श फॉलो नहीं करते। इसलिए कानों में मंत्र लेने से कोई शिष्य नहीं होते हैं जब तक गुरुजी के आदर्श को हम फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन ये भागवत परंपरा में क्या होता है, जहाँ पर उन्होंने उनके आदर्श को उनका भजन पद्धति को जहाँ पर स्वीकार करते हैं। इसलिए शिष्य परंपरा में जैसे शिष्य बने, लेकिन शिष्य बनकर चाय पी रहे हैं, गुटा खा रहे, बीड़ी खा रहे हैं, हरिनाम से कोई मतलब नहीं। अगर बोलेगा नहीं हमारे जो हमने गोस्वामी परंपरा में हमने आया है, ये गोस्वामी परंपरा में मांस खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, उल्टा पुल्टा तो नहीं हम शिष्य है ना। इसलिए प्रभुपाद ने ये शिष्य परंपरा ग्रहण नहीं किया कि उसमें बहुत सारे दोष है, लेकिन प्रभुपाद ने उन्होंने भागवत परंपरा क्यों, हम लोग रूपानुग गौड़ी वैष्णव है, महाप्रभु का भाव धारा को उनको विचार को जो सचमुच से अपना जीवन में अपनाया, इसको कहते भागवत परंपरा। वो निर्मल एकदम शुद्ध है, इसलिए प्रभुपाद ने ये भागवत परंपरा अपनाया और उन्होंने गुरु परंपरा शिष्य परंपरा को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसलिए हम लोग जहाँ पर आए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ब्रज का अभिर्ण राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन रास मंडल यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर है। इसलिए हम लोग यहाँ पर प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक दिन यहाँ की लीला एक दिन हमारे हृदय में परिस्फुट हो, हृदय के अनर्थ दूर हो, जोग माया कृपा हो और प्रभु की लीला में हमारी प्रवेश अधिकार मिले। वंशागल कृपा सिंधु भैरव पावन वैष्णव।